नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवी हिंदी कक्षा राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी लेंगे। घटक का नाम है राष्ट्रीय त्योहार, उपघटक है राष्ट्रीय प्रतीक। ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रश्न पत्र भी हल करना है। तो देखते हैं हम पांचवी कक्षा का घटक राष्ट्रीय त्योहार, उपघटक राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत के पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है। यह देश के संस्कृति का प्रतीक होते हैं। भारत के कुल मिलाकर 23 प्रतीके हैं। राष्ट्रध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने अपनाया था। उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की तीन पट्टियां होती हैं। इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। बीच वाले सफेद रंग में नीला चक्र होता है। इसमें 24 तिलियां होती हैं। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे की चौड़ाई 2 और लंबाई 3 के अनुसार होती है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सच्चाई और शांति का, और हरा रंग भारत के समृद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, यह राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र को स्वीकार किया, तब इस चिन्ह को भी स्वीकार किया गया। सम्राट अशोक स्तंभ पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो हिंदू वेद के अनुसार उसका अर्थ सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन यह भारत का राष्ट्रगान है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। जनगण मन इस राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संवैधानिक सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। इस राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसमें से 2 छंद संविधान में अंगीकृत किए गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने 1882 में बंगाली और संस्कृत भाषाओं में आनंद मठ इस उपन्यास में से इसे लिखा है। इसे पहली बार 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक सभा में पहली बार रविन्द्रनाथ टागोर जी ने गाया था। राष्ट्रीय प्राणी बाघ। हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। रॉयल बंगाल टाइगर इसे राष्ट्रीय प्राणी के रूप में 1973 को अपनाया गया। इसके शरीर पर पट्टे होते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में जानकारी लेते हैं। मोर यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी भारत के संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह सुंदरता, पवित्रता और गर्व को दर्शाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा 1972 में अनुसार इसे सुरक्षा दी गई है। हिंदू धर्म में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय फूल कमल। कमल यह फूल भारत के राष्ट्रीय फूल के स्वरूप में अपनाया गया है। भारतीय संस्कृति, गर्व, ज्ञान, समृद्धि, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को दिखाती है। इसे हिंदू धार्मिक विधि में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय फल आम। आम यह फलों का राजा है। इसे भारत में राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। इसमें कई गुण हैं। भारत में जैसे विविध धर्म, जाति और पंथ के लोग रहते हैं, उसी तरह बरगद वृक्ष पर अनेक जीव जंतु का निवास होता है। बरगद वृक्ष को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 बार सुवर्ण पदक मिलाने पर राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे।
राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र गंगोत्री में इसका उगम हुआ, जो भगीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जल बहुत से धार्मिक विधि को इस्तेमाल किया जाता है। गंगा नदी बहुत लंबी और पवित्र नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा रुपया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। भारतीय रुपये चिन्ह को देवनागरी र और लैटिन आर से बनाया गया है। यह चिन्ह भारतीय मुद्रा का चिन्ह है। राष्ट्रीय शपथ। राष्ट्रीय शपथ सबसे पहले तेलुगु भाषा में लिखी गई। इसे पिदिमरि वेंकट सुब्बाराव इन्होंने 1962 में लिखा था। भारत की लिपि देवनागरी। संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर साका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को दिया गया है। 1957 को इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा तैयार किया गया। इसे भारतीय पंचांग की मदद से किया गया है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत के अधिकाधिक राज्य में हिंदी बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तभी से 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान को अपनाया था। उस दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का जलचर प्राणी डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन को भारत के जलचर पशु के रूप में माना जाता है, क्योंकि साफ और स्वच्छ पानी में ही डॉल्फिन रहते हैं। गंगा का पानी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। डॉल्फिन दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। इसे बचाने के अनेक कोशिशें जारी हैं।